डॉन की चिट्ठी सीधे सीएम को। भदोही में ग्राम प्रधानों की जांच और उत्पीड़न पर आवाज बुलंद करने वाले वाराणसी भदोही और चंदौली के एमएलसी ब्रिजेश सिंह ने भदोही के जिला विकास अधिकारी जेके त्रिपाठी की ईडी से जांच कराए जाने की मांग को लेकर सीएम आदित्यनाथ योगी को चिट्ठी लिखी है। भदोही में प्रधानों और अफसरों के बीच चल रही जंग में एमएलसी के कूदने के बाद तीन जिलों की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण उपाध्याय गोपाल समेत भदोही के 56 से अधिक ग्राम पंचायतों की हो रही बार बार की जांच का मामला बाहुबली से माननीय बने एमएलसी ब्रिजेश सिंह तक पहुंचा था। ब्रिजेश ने इस मामले में भदोही के आला अधिकारियों को अफसरों को पत्र लिखा था, लेकिन जिला प्रशासन के अफसरों ने एमएलसी की इस चिट्ठी को कोई तवज्जो नहीं दी। यहां तक कि जिला प्रशासन ने प्रधानों के आंदोलन को दबाने के लिए जांच अधिकारी बदलने का भी भरोसा दिया था। बावजूद इसके राजनीतिक दबाव में बुधवार को बर्जी कला गांव में फोर्स के साथ डीडीओ जेके त्रिपाठी ने जांच की। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी शासनकाल से ही भदोही में जमे जिला विकास अधिकारी जेके त्रिपाठी की संपत्ति की जांच ईडी से कराए जाने के लिए वाराणसी भदोही और चंदौली से विधान परिषद सदस्य ब्रिजेश सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। जांच के नाम पर धनुगाही का आरोप लगने के बाद ग्राम प्रधानों ने जांच अधिकारी नहीं बदले जाने पर आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। दूसरी तरफ अब एमएलसी ब्रिजेश सिंह के मैदान में कूदने के बाद इस जंग के परिणाम पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। भदोही से टॉप न्यूज संवाददाता विपुल पांडे की रिपोर्ट। आंदोलन में ब्रिजेश सिंह जी हमेशा प्रधानों की समस्या सदन में उठाए हैं। हर प्रधान कोई भी समस्या होती हो तुरंत मट्टे पत्राचार करते हैं। जिला विकास अधिकारी के खिलाफ ईडी की जांच के लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लिखा है कि जिला विकास अधिकारी के संपत्तियों की जांच हो, क्योंकि जिला विकास अधिकारी और जिले के आला अधिकारी द्वारा प्रधान प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हमारे जो मटे वर्तमान एमएलसी माननीय ब्रिजेश सिंह जी प्रधानों के साथ पूरी निष्ठा के साथ हैं और प्रधानों की लड़ाई हमेशा